नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज इंडिया में। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने फिर से एक बड़ा बयान दिया और विपक्ष को सीधा निशाना बनाया। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पिछले 5 साल का लेखा जोखा भी जनता के सामने रखा। अमित शाह ने साथ ही यह भी कहा कि 2014 से 19 की यात्रा ऐसी है कि जब भी भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बनने का इतिहास लिखा जाएगा तो ये कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम बीजेपी ने किया। शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भी यानी 2019 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। शाह ने कहा कि पिछले 5 साल में भारत दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगा और अगर सभी उम्मीदवार उनका साथ देते रहे तो इस बार भी मोदी सरकार जरूर बनेगी। इस बार अमित शाह ने सीधा सीधा बीजेपी को जिताने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, तो क्या इस घोषणा पत्र से लोगों की मानसिकता पर कोई फर्क पड़ेगा और फिर से क्या केंद्र में मोदी सरकार आ पाएगी? यही है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहें आई न्यूज इंडिया से। धन्यवाद।